नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारतीय रेलवे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। इसके साथ ही देश में रेलवे में सबसे ज्यादा लोग सफर भी करते हैं। देश में रेलवे के कई स्टेशनों को प्राइवेट कर दिया गया है। अब वही रेलवे कई ट्रेनों को भी प्राइवेट करने की बात कर रही है। रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस नाम की प्राइवेट ट्रेन को पटरी पर उतार दिया है। देश में प्राइवेट ट्रेन के परिचालन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर विपक्ष ने अपनी बात रखी है कि लोगों ने कहा है कि देश में गरीब इंसान कैसे सफर करेगा, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने स्टेशनों को प्राइवेट के हाथों में कर दिया है। इस पर सरकार का कहना है कि इससे स्टेशनों पर साफ सफाई अच्छी रहेगी और सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं बिहार में प्राइवेट ट्रेनों के इतिहास के बारे में। देश में 16 अप्रैल 1853 को बोड़ी बंदर और थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी। वहीं बिहार में 1874 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने तिरहुट रेलवे की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि देश की आजादी से पहले देश में कई प्राइवेट रेल कंपनी चल रही थी। तिरहुट रेलवे उनमें से एक थी। इसे दरभंगा स्टेट चला रहा था। भारत में रेलवे का सफर शुरू होने के दो दशक के बाद यानी कि ठीक 21 वर्ष बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे का विकास हुआ। वाजिदपुर और दरभंगा के बीच यह पहली ट्रेन चली थी। तब रेलगाड़ी राहत सामग्री ढोने में चलाई जाती थी। दरभंगा स्टेट ने दरभंगा में 3 रेलवे स्टेशन बनाए। आम लोगों के लिए बने स्टेशन का नाम था हरारी स्टेशन, जिसे हम आज दरभंगा स्टेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेशन अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, उसका नाम था लहेरिया सराय स्टेशन। और तीसरा स्टेशन बना नरगौना टर्मिनल, जो महाराजा के महल नरगौना पैलेस तक जाता था। भारत में नरगौना पैलेस ही एक ऐसा महल था जिसके परिसर में रेलवे स्टेशन था। दरभंगा महाराजा के सैलून यानी कि पैलेस ऑन व्हील में देश के बड़े नेताओं ने यात्रा की। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय से लेकर तमाम बड़े नेता शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ गांधी जी ही ऐसा नेता थे जिन्होंने सैलून का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा तीसरे दर्जे में ही यात्रा की। जब गांधी जी तिरहुट रेलवे स्टेशन में यात्रा करने वाले थे तो दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने रेलवे को पत्र लिखा था, जिसके बाद रेलवे ने तीसरे दर्जे में शौचालय और पंखे की सुविधा दी थी, जिसके बाद से यह आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल में शुरू हो गया था। तिरहुट रेलवे ऐसा रेलवे स्टेशन था जो बेहद कम टिकट दरों पर जनता को बेहतर सुविधाएं देता था। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसके बाद अवध तिरहुट रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से जाना जाने लगा। 1973 में बरौनी में खरी पैलेस ऑन व्हील में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई। उसके बाद 1982 में नरगौना में खड़े हीरे जवाहरात और सोने चांदी से जड़े पैलेस ऑन व्हील को कबाड़ में बेच दिया गया। तिरहुट रेलवे की जो समृद्धि थी वह अब बस अवशेष के रूप में भी न के बराबर बची हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।